हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बजिंग ट्रेंड्स में। दोस्तों, अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और वो जो घंटी है नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबाना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत ही टफ टाइम चल रहा है ऑल ओवर द ग्लोब, और हर एक इंडिविजुअल, हर एक फैमिली को जो है वो फाइनेंशियल इशूज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, अब ऐसे टाइम में क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे फॉर्म्स थे लोन्स देने वाले, उन लोगों ने अपना धंधा स्टार्ट कर दिया है मौके का फ़ायदा उठा करके। बीच में अभी 2 वीक पहले जो है वो बहुत सारा केस हुआ था कैश बिन पे, जो छोटे छोटे स्मॉल फॉर्म्स है जो छोटे लोन देते हैं कस्टमर्स को, उन पे केस हुआ था कि वो लोग कस्टमर्स को कॉल करके उनको धमकी दे रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम्हारी फैमिली को हम लोग गाली देंगे, तुम्हारे घर पे आएंगे, लड़ाई करेंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो दोस्तों, अब मैं वो सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं आपको खाली अर्ली सैलरी नाम का एक ऐप है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये अच्छा ऐप है, बहुत सारा यूज़र, ऑथेंटिक भी है दोस्तों एकदम। बट हुआ क्या है कि इन्होंने बिना किसी नोटिफिकेशन के जो भी लोन थे सबको होल्ड पे डाल दिया, नए लोन किसी को नहीं दे रहे ये लोग। तो हो क्या रहा है कि जिन्होंने लोन ले रखा था वो लोग अब क्या कर रहे हैं, एडवांस ईएमआई पे कर रहे ताकि वो लोग नए लोन के लिए अप्लाई कर सके। बट क्योंकि अर्ली सैलरी ने उनको नोटिफाई नहीं किया कि हम लोग अभी नया लोन नहीं दे रहे हैं, उस वजह से उन्होंने सबने पे तो कर दिया बट अब वो लोग नया लोन बोरो नहीं कर पा रहे, और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो डबल हो गई उनके लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर मान लो आपके पास 2 ईएमआई है 4-4 हज़ार के, आपने सोचा कि मैं ये 2 ईएमआई एक साथ भर देता हूँ और फिर एक साथ वापस से 20 या 25 हज़ार का जो लोन मेरे को मिल रहा है अलॉटेड है वो वापस से ले लूँ, वो अब नहीं हो पा रहा है। तो अर्ली सैलरी की तरफ से ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, और इसकी वजह से मैंने गूगल के जो इनके प्ले स्टोर पर ऐप है वहाँ पर रिव्यूज़ पढ़े दोस्तों। हर यूज़र जो है वो वहाँ पर गाली लिख रहा है, वहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स लिख रहा है कि तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, बिना नोटिफाई के तुम लोगों ने होल्ड पे डाल दिया, हमने एडवांस में पे किया है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, और दूसरा क्या हो रहा है कि ये लोग जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ जो है वो पेड रिव्यूज़ करवा रहे हैं, ये अपने जो फेक कस्टमर्स है या फेक डेटाबेस है उनके थ्रू फेक रिव्यूज़ करवा रहे हैं 5 स्टार वाले, ताकि जो उनका ओवरऑल रेटिंग है उसको फ़र्क ना पड़े। बट अब अगर आप जाके पढ़ोगे वहाँ पे रिव्यूज़ तो आपको पता पड़ेगा कि कितना जो है वो लोगों के बीच में गुस्सा है इस ऐप को लेकर। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक लिया कि हम लोग जो है वो इस ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए ये ऐप। तो दोस्तों, हो क्या रहा है कि ये चीज़ जो है वो बहुत गलत है। आप लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पे पूरी कंट्री सफ़र कर रही है फाइनेंशियल इशूज़, वहाँ पे लोगों को लोन देने से आप रोक रहे हो, नया लोन नहीं दे रहे हो किसी को भी, जबकि उनको ज़रूरत है। यही टाइम होता है कि जहाँ पे आप अपना अपने लोगों के साथ में लॉयलिटी बढ़ाते हो, आप उनको एक 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 परमानेंट नेटवर्क बनाते हो, उनके साथ में एक परमानेंट रिलेशनशिप बनाते हो, और वो मौका अर्ली सैलरी ने गवा दिया है। और ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। अगर आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करोगे, वो लोग सेम चीज़ रिपीट करते हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहे हैं, हम आपको बता नहीं सकते, बट आप बहुत जल्दी जो है वो नए लोन के लिए अप्लाई कर सकोगे। बट ये जो चीज़ है वो 2 महीने से चलती आ रही है, सेम रिप्लाई आता है उनका। अगर आप चैट के थ्रू जो है वो जाते हो तो वो लोग सेम रिप्लाई करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, और बीच में ही वो लोग चैट को जो है वो डिस्कनेक्ट करके गायब हो जाते हैं। कस्टमर की क्वेरी का सॉल्यूशन दिए बिना बीच में ही वो लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं चैट को। अब आप ये बताओ कि एक अच्छी कंपनी जिसका नाम बना हुआ है वो अगर ऐसे बिहेव करे अपने कस्टमर्स के साथ में, तो ये कहाँ कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को दिखाए कि ये कंपनी के थ्रू आप अभी लोन के लिए अप्लाई ना करें, अगर वो लोग देते भी है तो भी ना करें। और दूसरा एक चीज़ मैंने मिस कर दी कि बहुत सारे जो है वो रिव्यू और कमेंट्स जो प्ले स्टोर पे है वहाँ पे ये लिखा हुआ था लोगों ने कि इन्होंने ये टाइम पे इंटरेस्ट रेट जो थे पहले उनको डबल अप कर दिया है। आप सोच रहे हो दोस्तों, जिसका 10% का इंटरेस्ट लगता था अब वो 20% का इंटरेस्ट भरेगा। एक बंदे का कमेंट तो यहाँ तक था कि मैंने 12 हज़ार का लोन लिया, मैं 32 हज़ार भरना पड़ रहा है मेरे को, और उसने थैंक यू बोला इस बात के लिए। तो आप देख सकते दोस्तों कि अर्ली सैलरी ऐप जो अच्छा खासा नाम बना चुका था वो ऐसा टॉर्चर कर रहा है अपने कस्टमर्स को, विच इज़ टोटली अनफेयर, और इसको अपने को रोकना होगा। और रोकने के लिए आपको जो है वो मेरे को सपोर्ट करना होगा दोस्तों को, कि मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी को आगे आके ये काम करना पड़ेगा, आपको ये कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, वरना ये जो है वो लोगों को ऐसे ही लूटते रहेगी। उन्होंने पैसे ले लिए एडवांस में बट अब वापस से उनको नया लोन नहीं दे रही है, ये गलत चीज़ है ना दोस्तों। आपने बिना बताए वो उनको जो है वो रोक रहे हो, आप होल्ड पे डाल रहे हो, ऐप पे जाते हो तो वो लोग नोटिफिकेशन देते हैं कि ड्यू टू कोविड-19 वी हैव जो भी प्रोसेस है उनका वो रोक के रखा हुआ है, एंड आप जो है वो थोड़े टाइम में वापस लोन ले सकते हो। वो थोड़ा टाइम कब होगा दोस्तों, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।